वहीं अगर बात करें हम एग्री कमोडिटीज की, तो कल की गिरावट के बाद आज एग्री कमोडिटीज संभलती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से हमने कल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सभी एग्री कमोडिटीज को लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए देखा, तो वहीं आज बाजारों के अंदर वापस से तेजी लौटी है और सभी एग्री कमोडिटीज आज खरीदारी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें कैस्टर की, जो की लगातार गिरावट दिखा रही थी कमोडिटी, आज इसमें खरीदारी आई है और 6050 पर अक्टूबर वायदा फिलहाल कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि नवंबर वायदा 6100 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो कैस्टर के अंदर अभी जो तेजी का रुझान था वो थमता हुआ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्यात मांग कहीं ना कहीं रुक गई है, जिसकी वजह से बाजारों में आ रही तेजी फिलहाल थमती हुई दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे की बात करें तो रेंज रह सकती है 6000 से लेकर अक्टूबर वायदा 6080 तक, वहीं नवंबर वायदा की बात करें तो 6080 से लेकर ऊपर में 6140 तक की एक अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात बिनोला खल की जाए तो बिनोला खल में खरीदारी लौटी है कल की गिरावट के बाद, थमा हुआ आज बाजार और 2400 के ऊपर लगातार सस्टेनेबिलिटी आती हुई टेक्निकली भी बाजार काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब यहां से 2400 के स्टॉपलॉस के साथ जो भी डिप मिलती है इसके अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। बिनोला खल आने वाले दिनों में 2500 से लेकर 2600 तक जा सकता है, तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको बिनोला खल में जो भी गिरावट मिलती है अगले महीने के वायदे में दिसंबर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर बात मसाला पैक की जाए तो मसालों में काफी एक्शन आया है आज। धनिया, जो कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि धनिया के अंदर खरीदारी करके चलिए, आगे धनिया जल्द ही आपको 8500 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबरदस्त तेजी, 2% की तेजी अक्टूबर वायदा के अंदर देखने को मिल रही है, जबकि 1.5% से ज्यादा अक्टूबर वायदा में 1.5% से ज्यादा की तेजी और नवंबर वायदा में 2% से ज्यादा की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो धनिया में अच्छा रिटर्न आ सकता है। अभी धनिया के अंदर अभी और पोटेंशियल बाकी है, अभी त्योहारी सीजन की मांग देखने को मिल सकती है, तो फिलहाल के लिए धनिया के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। धनिये को जो भी डिप मिले वहां पर आप नवंबर वायदा में बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में आज के लिए टारगेट जो है वो 8200 तक हो सकता है, 8200 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो अगले टारगेट आपको 8500 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात जीरे की जाए तो आज जीरे में भी 0.5% की तेजी आई है, जीरे में भी खरीदारी लौटी है और जीरा अभी फिलहाल नवंबर वायदा 14800 तक आज इंट्राडे में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जीरे के साथ साथ हल्दी की अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत ज्यादा फिलहाल सपोर्टिव बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर निर्यात मांग घटी है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतें उठ नहीं पा रही और नई फसल अच्छा रहने से भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नई फसल अच्छी रह सकती है, उसकी वजह से भी हल्दी के ऊपर दबाव बना है और ये दो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से फिलहाल हल्दी उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आगे भी माना यह जा रहा है कि थोड़ा बहुत दबाव आने पर हल्दी में भी खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए, हल्दी भी तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। नवंबर वायदा की बात करें तो ऊपर में 7800 से लेकर 8000 का स्तर हल्दी के अंदर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब बात अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की जाए तो ग्वार के अंदर भी अभी आज तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो ग्वार कल 10000 के नीचे लुढ़क चुकी थी आज वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर वायदा 10000 के ऊपर निकल चुका है और अभी भी बाजारों में वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, 9800 से लेकर 10200 तक नवंबर वायदा फिलहाल इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वहीं अगर ग्वार सीट की बात करें तो ग्वार सीट में भी आज खरीदारी लौटी है, 0.5% की तेजी ग्वार सीट के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। नवंबर वायदा 5800 के पार है, 6000 के स्तर इसमें वापस से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर एक रेंज बनी रह सकती है ग्वार के अंदर, ग्वार सीड ऊपर में 6000 तो नीचे में 5800-5700 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज ग्वार गम की बात करें, 10200 से 500 ऊपर मैक्सिमम अपसाइड और नीचे में अगर देखा जाए तो 9800 से 9700 की रेंज बनती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती है। तो ग्वार के अंदर जिस दिन गिरावट आए उस दिन खरीदारी कीजिए और जब थोड़ा बहुत बाजार बाउंस दे उस दिन प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि लंबी अभी इसमें तेजी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। वहीं अगर अब बात करें हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स ने भी आज रिकवरी दिखाई है। सबसे पहले बात करें सीपीओ की तो सीपीओ 1% के आसपास की तेजी के साथ अक्टूबर वायदा 1144 के ऊपर निकल चुका है, सीपीओ के अंदर खरीदारी लौटी है। अब यहां से सीपीओ हो सकता है आज आपको इंट्राडे में 1160 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो फिलहाल सीपीओ के अंदर अगर डिप मिलती है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन ज्यादा लंबी पोजीशन स्टैंड नहीं करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म तेजी है, बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
वही सीपीओ के साथ अगर बात करें सरसों की, तो सरसों में खरीदारी आई है, नवंबर वायदा में भी तेजी बनी है और नवंबर के साथ अक्टूबर वायदा भी तेजी के साथ, और जो इनका बदला था वो काफी कम हो चुका है और नवंबर वायदा 8361 पर फिलहाल कारोबार करता दिखाई दे रहा है और 8500 तक से लेकर 9000 फेस्टिवल सीजन के चलते ये लेवल्स आ सकते हैं। वहीं अगर सरसों के बाद अगर हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, उसमें लेवल नीचे में 1280 तो ऊपर में 1340 की रेंज बनी रह सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन के अंदर भी मंडियों के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, आज जरूर बाजारों के अंदर तेजी आई है और सभी वायदा 1-1% ऊपर हो चुके हैं। और सोयाबीन के अंदर अगर देखा जाए तो जो सोयाबीन 10,000 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे रही थी, अब वहां से 5,000 के रेंज के बीच में कारोबार करती दिखाई दे रही है। ऊपरी स्तरों से 5,000 पॉइंट सोयाबीन लुढ़क चुकी है, एक जबरदस्त गिरावट सोयाबीन के अंदर आ चुकी है और अब यहां से एक्सपेक्टेड है हल्का फुल्का बाउंस बैक, जो कि इसको मैक्सिमम अगर तेजी आती है नवंबर के अंदर तो 5,800 तक ऊपर ले जा सकता है और वहीं नीचे की बात करें तो 5,000, तो ये स्तर है जो कि सोयाबीन के अंदर 5,000 से 5,800 के फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी कमोडिटी हो सकती है जिसके अंदर खरीदारी करके चलने में फायदा हो सकता है, आज इंट्राडे में अगर देखा जाए तो कॉटन, ऑयल सीड, केक के साथ साथ धनिया एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जिसके अंदर बाइंग करके चलने में मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है, तो निचले स्तरों पर इसके अंदर फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है। और आज इंट्राडे के लिए दो कमोडिटी ऐसी हैं, हल्दी के अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं, हल्दी के साथ साथ बिनोला, खल और धनिया, इनके अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सपेक्ट है कि धनिया नवंबर वायदा हो सकता है 2-2.5% की तेजी आज बाजारों के अंदर देखने को मिले।